Hi guys, welcome to my channel. In this video, I am going to share with you how to draw realistic hairs using color pencils. यहाँ पर गाइज रियलिस्टिक हेयर को ड्रॉ करने का रियल टाइम में मैं आपके साथ ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ. एंड गाइज चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर मैं जो भी कलर पेंसिल्स का यूज़ कर रही हूँ, जो भी कलर शेड्स का मैं यूज़ कर रही हूँ, वो सभी आपको स्क्रीन में काफ़ी इजीली देखने को मिल जाएगा. एंड रियल टाइम होने की वजह से आपको काफ़ी आसानी से यहाँ पे ट्यूटोरियल समझ में आने वाला है. एंड यहाँ तक कि जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग का आप पूरा सीरीज़ देख सकते हैं मेरे चैनल पे. ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है सारे अलग अलग पार्ट्स में वीडियो को, तो आप देख सकते हैं ट्यूटोरियल्स. एंड यहाँ पे ये रोहित शर्मा का हेयर ड्राइंग हम रियल टाइम में कर रहे हैं. एंड गाइज इसके नेक्स्ट वीडियो में इस ड्राइंग को हम कंप्लीट करने वाले हैं. सो गाइज अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इस तरीके के वीडियोस के लिए, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है एंड काफ़ी ईजी आपको ट्यूटोरियल इस चैनल पर देखने को मिलता है. यहाँ पर हेयर ड्राइंग का पूरा मेथड आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि ये रियल टाइम में है. सो गाइस कीप वॉचिंग. अगर आपको रियल टाइम में ड्राइंग देखना या वीडियो देखना इस तरीके का पसंद नहीं है तो आप इसको स्पीड ऑन करके देख सकते हैं, लेकिन आप स्किप करके मत देखना. अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ पार्ट यहाँ पर मिसिंग हो जाएगा ड्राइंग का, जिससे आपको समझ में नहीं आएगा. यहाँ पर हेयर में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट है, काफ़ी वाइट हेयर्स है, शाइन है हेयर में, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे इंडेंटिंग टूल लिया है. अगर आपके पास सेम टूल नहीं है तो आप कोई भी ब्लैंक पेन ले सकते हैं जिसकी रिफ़िल पूरी तरीके से खाली हो गई हो. बिल्कुल ही ब्लैंक आपको पेन लेना है, उसके टिप से आपको कुछ इस तरीके से इंडेंटिंग कर लेना है. अगर आपके पास सेम ये वाला टूल नहीं है, इस तरीके से इसका जब हम यूज़ करेंगे तो इसके ऊपर से जब हम कलर ड्राइंग करेंगे तो कलर ड्राइंग बहुत ही अच्छे से रियलिस्टिक वे में होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने इंडेंटिंग कर ली है एंड जो हाइलाइटेड हेयर हैं वो काफ़ी अच्छे से विजिबल होंगे. तो आपको पूरा प्रोसेस गाइज इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा. एंड इसका यूज़ उसी एरिया पे करना है जहाँ जहाँ पे हाइलाइटेड हेयर हैं, तो सिर्फ उसी एरिया पे मैं इसका यूज़ कर रही हूँ. Thank you.
तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे मैंने इंडेंटिंग की थी वहाँ वहाँ पे हाइलाइटेड हेयर दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ब्लैक कलर का यूज़ ना करके यहाँ पे मैंने एक दूसरा शेड लिया है जो कि आप देख सकते हैं बर्न्ड अंबर शेड है एंड ये थोड़ा सा ब्राउन एंड ब्लैक के बीच का शेड है। तो इसकी हेल्प से सबसे पहले हम एक लेयर को ऐड कर देंगे एंड देन हम इसमें ब्लैक कलर पेंसिल एंड जो जो हमारे रेफरेंस में है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें कलर्स को फिल करेंगे। Thank you.
सो गाइज यहाँ पे हमारा ड्राइंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है एंड आप देख सकते हैं जो हेयर ड्राइंग है वो कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा होगा। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड मिलते हैं फाइनल एपिसोड वीडियो में। सो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।